जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जी की जय बोलेगी। अभी बिजी हो भाई जी? नहीं नहीं नहीं, फ्री हो। फ्री हो, बस आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ जी, सब ठीक ठाक? हाँ जी, ठीक ठाक है जी। अच्छा, मैंने इसीलिए फोन किया, जो यात्रा से एक वीडियो सुनी होगी आपने, जिसमें हमने बताया था कि यात्रा से पहले हम बात करेंगे। हाँ जी। तो आपकी यात्रा की तैयारी पूरी हो गई? हाँ सर जी, पूरी तैयारी है। बताइए आप, कोई कंफ्यूजन वगैरह, कोई किसी पॉइंट को लेके कोई दिक्कत? नहीं, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर है। मगर मेरे को बस ये कहना था, वो टेंट के बारे में बता देना आपने कल। हाँ हाँ, क्या टेंट बुक कर देंगे? आप बता देंगे तो आप टेंट कर लेना बुक। और मैं तो टेंट बुक कर दूंगा, पता चला वहाँ जाके आपको सस्ते टेंट मिलेंगे। अरे नहीं भैया, ऐसा कैसे होगा? नहीं, मैंने जो टेंट किया वो 300 रुपए का, और आपको वहाँ टेंट वाले कह रहे हैं कि 100 रुपए का मिल रहा है, तो आपको लगेगा नहीं भैया ने 200 रुपए खा गए? नहीं है ना, आप महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण नहीं है? हैं, कैसे जैसे जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, आपको मैंने कर दी कुछ। देखो जी, मैं अपनी तरफ से अच्छे टेंट करूंगा, लेकिन होता है कई बार और टेंट वाले ना फिर यात्री को वहाँ जाके भड़काते हैं कि हमारे टेंट में आ जाओ, खाली पड़ा है, 200 रुपए में आ जाओ, है ना। पर यह कि हम प्री बुक करते हैं तो हमें टेंशन नहीं रहती है, हमारे टेंट वहाँ पे बुक ही मिलेंगे, पहलगांव में और बाबा जी की गुफा पे, ठीक है। चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो, चाहे जो मर्जी हो, हमारे टेंट जो हमने बुक कर दिया, हमें बुक ही मिलेंगे। दोनों ही बंदे हमारे बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे हैं, तो दो जगह हम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पता चला वहाँ पहुंचे और नहीं मिला, फिर 1000-1000 रुपए का एक यात्री को लेना पड़ा, तो सारा कवर हो जाएगा एक बारी में ही, तो अच्छी बात है। दूसरा ये है, शेषनाग जी में जो यात्री साथ चलेंगे, जो पहले पहुंच जाएंगे पहले कर लेंगे, जो साथ में होंगे जब हम पहुंचेंगे एट ए टाइम, तो उस टाइम कर लेंगे। आप ही बताओगे, हम तभी करेंगे। नहीं नहीं, मैं ही करके दूंगा, मेरे साथ रहोगे तो मैं ही करके दूंगा। जब तक आप मेरे साथ हो ना, हर चीज मैं करके दूंगा आपको, समझ रहे मेरी बात? अब आप आगे पीछे भाग जाओगे तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए भी। कोशिश तो यही रहेगी हमारी कि आपके साथ ही रहेंगे। कोशिश क्या, कोशिश करनी है आपको, जब मेरे को देखते रहो, मैं भागता ही नहीं, मैं सबसे धीरे चलता हूँ यात्रा में। तो मेरे साथ साथ चलना, कहीं मैं थक जाऊँ तो मुझे भी खींच लेना यार। और मुझे छोड़ के चले जाओगे तो फिर मैं तो रह ही जाऊंगा पीछे ना। तैयारी चल रही, 3 साल से मेरी तैयारी चल रही जाने की। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तो 3 साल से लगा हूं, देख लो आप। डीपी भी मेरी लगा ली है, कल देख रहा था मैं, इतना प्यार भाई को है। इतना आपस में मेल जोल हो गया और फिर सारा काम हो गया। और पिछली बार आप अकेले थे, इस बार आप भाभी जी को लेके भी जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो तैयारी पूरी, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो हमने आपसे बस के पैसों में 251 रुपए भंडारे के लिए थे, वो भी डालने आपके भंडारे का योगदान? हाँ जी बिल्कुल डालने। हाँ, जो भी हम डायरों में भोजन करते हुए चलेंगे ना, उन सब में हम 5000 एक की, 11000 एक की पर्ची कटवाते चलेंगे सब यात्रियों के ग्रुप के नाम की, ठीक है। वो ऐसा ना, तीर्थ जाते हैं तो अपने दम पे जाना चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली क्या है ना, हाँ कहीं भी जाओ तो लंगर में प्रसाद ले रहे हैं तो बेचारे वो भी तो उसी का योगदान से चलता है। हाँ, वो भी तो पैसा ला रहे हैं, तो हमने जितना लिया भगवान ने स्लाइक बनाया तो हम डालते चलेंगे, थोड़ा बहुत अपना योगदान जितना खाया उतना डाल दिया करेंगे, उससे उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा और हमें भी, है ना। चलो ठीक है, टेंट का भी हो गया, भंडारे का भी हो गया। और जो यात्रा में जाओगे, जूते वूते ले लिए? मैंने 2 महीने पहले ले लिए, गोल्ड स्टार के आपने बताए थे जो। बहुत बढ़िया, और बढ़िया वॉकिंग होगी भाभी जी की और आपकी? वॉक तो मेरी 3 साल से वॉक ही चल रही है। अच्छा, अभी कोई 1 महीने से ले जा रहा हूँ वॉक के लिए, और 1.5 घंटा घूम के आते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, हमें दिल्ली मिलोगे ना, हमें आप दिल्ली मिलोगे ना? दिल्ली मिलेंगे। दिल्ली में किस समय मिलेंगे हम? आप ये कोशिश करना कि हम भी इस बार 5-6-5-4-5 बजे पहुंच जाएंगे रेलवे स्टेशन। 5 बजे? हाँ, मैं तो पहुंच जाऊंगा, क्योंकि टोपियां वोपियां बांटते हैं ना, हमें भी टोपियां आई कार्ड वहीं बांटते हैं। उसके बाद 7 बजे पूजा करेंगे, तो 7:30 पूजा करने में प्रसाद के ग्रुप काफी बड़ा है, कम्पल्सरी 5 बजे पहुंच जाना है। हाँ, 5 बजे मैं बता दूंगा, वैसे हम प्लानिंग करेंगे, पर ये मान के चलो 5 बजे तक पहुंच जाना, जितना जल्दी पहुंचोगे उतना अच्छा है। प्लेटफॉर्म पे आके बैठ जाना, जब हम आएंगे तो मिलना जुलना हो जाएगा, कैब वैब बांटेंगे, फिर भीड़, जैसे ही भीड़ हो जाएगी फिर सब कुछ बांटना बंद कर देंगे हम। तो जो यात्री पहले आ जाएंगे, क्योंकि पूजा के टाइम पे नहीं बांटेंगे, जो बच गए फिर बची गए ना, तो कोशिश ये करेंगे कि सभी यात्री जितना पहले आ जाएं तो टोपी, आई कार्ड, टैग, बैग टैग वगैरह बांट दें, ताकि फिर बाद में पूजा के टाइम पे कोई दिक्कत ना, और बाबा जी की पूजा करके और फिर अपना निकले यात्रा के लिए, है ना। और तैयारी वारी होगी सारी है, मगर छोटे बैग में क्या क्या सामान रखोगे? छोटे बैग में आपने बताया ना, छाता रखना है, मेडिसिन रखनी है, खट्टी मीठी गोली रखनी है, और रेनकोट रखना है।
और दो जोड़े जुराब के रखने हैं, एक जोड़ा या दो जोड़े जुराब के रखने हैं अगर बारिश होगी, है ना, दो जोड़े एक जोड़े जुराब का रखना है, ठीक है, और पानी की बोतल। छह जोड़ी रख ली है, जुराब भी रख ली है। नहीं, छह जोड़ी में से चार जोड़ी तो आप भेज देना पिट्ठू वाले बैग में ना। पिट्ठू वाले बैग में, हाँ, तो दो दो, एक दो जोड़ी अगर दोनों हस्बैंड वाइफ हो, दो जोड़ी काफी है, है ना, और अपने अपने बैग में बोतल अपने अपने रखना, ताकि बाई चांस कोई आगे पीछे भी हो तो पानी तो पीता रहे अपना। थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट रख लिए 10-15 दाने काजू बादाम के, है ना, बस इतना बहुत होता है। आपके वीडियो देख रहा हूँ लगातार, फिर तो आपकी पूरी तैयारी होगी, तो मुझे भी ले चलना अपने साथ। तो आपको तो सारा सब कुछ पता चल गया होगा फिर तो आपको, है ना। चलो भैया जी, तैयारी तैयारी कर लो आप, और कोई भी दिक्कत हो, भाभी जी को कुछ अपने बारे में पूछना हो तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, उनसे बात कर लेंगी। वैसे कोई भी, हमने सारी वीडियो बना के डाली हुई, फिर भी हाँ जी, क्या कुछ कह रहे हैं? मैंने वो आपसे पूछ लिया था, आपने बता दी मेडिसिन के बारे में। हाँ हाँ, वो मेडिसिन और वो सभी लेडीज के लिए यार, उस टाइम में पता खुल रहा था ना किसका क्या साइकिल है क्या साइकिल नहीं है, तो मेडिसिन मिल जाती है, अपना ले लो, टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। हाँ, क्योंकि इतनी दूर जाते हैं, वहाँ जाके फिर कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर बेचारी लेडीज भी परेशान और वैसे भी परेशान, तो अपनी मेडिसिन मिलती है, उसका मेडिसिन का यूज करो अपना रेगुलर, और उससे फिर ठीक रहता है, ठीक है। चलो फिर कर लो तैयारी, कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना, ठीक है। और यात्रा में साथ ही चलना, ठीक है, आगे पीछे मत भागना, ठीक है प्रभु जी, हैं जय भोले बाबा। मेरी भाभियाँ बहुत सारी है, कौन सी भाभी आ रही थी? वो सालनी भाभी। हाँ हाँ, सारी मिली थी। हाँ हाँ, वो भी आएंगी यात्रा में। अच्छा, ठीक है, सभी आ रहे हैं, वो तो यात्रा जो समिति के, या उनके बिना कैसे यार, जो भी हमारे समिति के सदस्य हैं, सारा काम मैं तो सिर्फ बातें कर आपने बोले सालनी भाभी ये मथुरा से आए हैं, वीडियो देख के तो वो मुस्कुरा रही थी, तो मुझे वो उनका मतलब फेस याद है। हाँ हाँ, उन्होंने पूछा था, वो लाइन में लगे लगे थे ना, भंडारा का वीडियो डाला ना आपने। भंडारा पैक होगा, खाना पैक होगा, तो भंडारा वो वीडियो दिखा, तो उसमें वो सालनी भाभी थी, मैंने कि ये वो भाभी है जो वहाँ मिली थी। हाँ वहाँ मिली थी, वो लड़के भी तो कहते लाइन में आगे, बोला एक बंदा है वो वीडियो डालता, उसकी वीडियो देख के आए, तो सालनी भाभी कह रही आप जानते हो उसे? बोला मैं जानते नहीं, पर हाँ बहुत अच्छा बंदा है, तुमसे मजे ले रही थी सालनी भाभी वहाँ पे ना। मिलेंगी आपको वहाँ, पूजा वूजा में सारा काम उन्हीं को देखा है, पूजा वूजा का हमने वहाँ पे सबको, समिति के सभी जो भी भक्त हैं हमारे, सबको काम बांटे हैं। जल्दी पहुंच जाओगे तो आपको भी कोई ना कोई काम दे देंगे फिर वहाँ पे ना। ठीक है, जल्दी आ जाना आप, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, जय भोले बाबा जी की। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।